यूपी के जनपद महाराजगंज के पनियरा थाना के रामपुर गांव में उस समय सनसनी मच गई जब एक सरफिरे आशिक ने शादी से मना करने पर मां बेटी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर बेटी की मौत हो गई। वहीं मां हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वहीं चाकू से हत्या के बाद सरफिरा आशिक ग्रामीणों के डर से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद पुलिस को ग्रामीणों से आरोपी को छुड़ाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक तरफा प्यार में कोई आशिक किसी की जान ले सकता है, ये शायद 17 साल की दुर्गा को नहीं पता था। पनियरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का जनार्दन शर्मा सऊदी कमाने के लिए गया हुआ था और घर पर केवल उसकी पत्नी और बच्चे रहते थे। 5 बच्चों में सबसे बड़ी दुर्गा के पास के ही इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा थी। उसी के क्लास में ऋषिकेश निषाद नामक युवक भी पढ़ता था, लेकिन ऋषिकेश दुर्गा से एक तरफा प्यार करने लगा था और कई बार दुर्गा को अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन हर बार दुर्गा ने मना कर दिया, जिसके बाद आज ऋषिकेश दुर्गा के घर गया और शादी को लेकर दुर्गा और उसकी माँ से झगड़ा करने लगा, जिसके बाद इस सरफिरे आशिक ने चाकू से दुर्गा और उसकी माँ पर हमला कर दिया। चाकू के हमले से जहाँ दुर्गा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं मृतिका दुर्गा की माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अब राम थाना पनेरा में रामपुर टोला गांव है, वहाँ पर एक जनार्दन नाम के हैं, वो जो वो बाहर अपना वो करते हैं, सऊदीया में कुछ काम करते हैं, तो उनका परिवार यहाँ रहता है गांव में, विश्वकर्मा लोग हैं ये। तो एक लड़का दूसरे गांव का इस ऋषिकेश नाम का, ऋषिकेश निषाद, और ये अपने ननिहाल में रहता था, रहने वाला पीपीगंज का था, ननिहाल में रहता है। ननिहाल इस गांव से रामपुर टोला से 2-3 किलोमीटर पर है, रतनपुरवा गांव है, उसमें अपने नाना के यहाँ रहता था। तो ये दोनों इनकी लड़की जनार्दन की बेटी और ये दोनों 12वीं क्लास में पढ़ते थे। वहाँ कुछ इनका अफेयर का मामला है बताया जाता है, और इसको मना किया गया था कि लड़के को न फ़ोन किया करे, न बात किया करे लड़की से। तो आज सुबह 6:30 बजे ये लड़की के परिवार में पहुंचा और वहां जाके इसने माँ का ये कहना है कि इसने गर्दन पे मेरी चाकू रख दिया और झगड़ा करने लगा, और फिर इसके बाद में बाहर लड़की बाहर से दौड़ के आई तो उस लड़की पे इसने चाकुओं से वार कर दिया और माँ को भी घायल कर दिया। तो दोनों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जिसमें कि लड़की की डेथ हो गई और माँ को जो है जिला अस्पताल लाया गया, तो यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए। किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं अब ये उनके गांव में।